क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बिना एक्स वाई माने आपको सॉल्व करना है, एक्स इसमें नहीं मानना है, ध्यान दीजिएगा, और डायरेक्ट आंसर देना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, यह बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर दे, चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा बताएं। हाँ, बेसिक तरीका आप लोगों को बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर दे, डायरेक्ट आंसर आप चाहें तो इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हाँ कोशिश करिए, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं कोशिश करिए, पहले समझने का प्रयास करेंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मतलब जो दो अंक की संख्या है उसको आपस में दोनों अंकों को जोड़ दे तो योग क्या 14 है। कह रहा है यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उनके अंकों का स्थान आपस में क्या होता है, बदल जाता है, दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है बताएं। चलिए, बहुत अच्छे, एक दो स्टूडेंट आंसर दे रहे, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, और मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं, एक ही दो स्टूडेंट हैं जो सही आंसर दे रहे पा रहे हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पे, देखिए सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है, गो थ्रू ऑप्शन, क्या ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे, सेकेंडो में आंसर आएगा। देखिए बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या 14 है, यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, छोटा अंक, अगर छोटा अंक 4 है तो बड़ा अंक क्या होगा 10, तभी तो 14 होगा, और ये जब 10, 4 और 10 ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी अगर हम इसे जोड़े तो, देखिएगा। लेकिन यहां दो अंकों की बात कर रहे हैं तो 4 छोटा नहीं हो सकता, अगर 5 छोटा है तो ध्यान दीजिए 5 में क्या जोड़े कि 14 हो जाए, 9, यानी कि 59 होगा, ये ध्यान दीजिएगा ये 59 होगा, तो 5 + 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 यानी 14। देखिए कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, मान रहे हैं वो संख्या क्या है 59 है, क्यों कैसे पता किए, छोटा अंक पूछ रहे हैं तो छोटा अगर 5 है तो बड़ा क्या होगा 9 होगा, ठीक है। देखिए 5 9 59, 9 5 जोड़ रहे 14 हुआ, कह रहे हैं उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, कब बदलता है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, क्या 59 में, ध्यान दीजिएगा क्या 59 में हम 36 जोड़े तो अंकों का स्थान बदलने का मतलब ये 59 5 9 है तो ये हो जाएगा 9 5, यानी कि 5 9 प्लट के 9 5 होगा 95, क्या इसमें 36 जोड़ने पे 95 होगा, 9 6 15 का 5 हासिल, 1 5 3 8 1 9 95 हो रहा है, अंकों का स्थान क्या हो रहा है बदल रहा है, पूछ रहा है उन दोनों में से, दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, तो छोटा अंक है 5 और बड़ा अंक है 9, समझ में आया, तो आंसर होगा 5, हाँ आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर होगा बी, बताएं समझ में आया कि नहीं, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, सिंपल है, आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न कभी भी आए आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और सेकेंडों में आंसर आएगा। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं समझ में आ गया है, सारे स्टूडेंट, अच्छा सभी को समझ में आ गया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, सारे स्टूडेंट समझ गए हैं, अच्छी बात है।